माय चैनल। जुलाई का महीना शुरू है और मेरा मन कर रहा है जीनिया की सीडलिंग करने का। अभी सीडलिंग करूंगी तो विंटर में फ्लावरिंग होगी मेरे टेरेस पे। कुछ सीड्स मेरे पास रखे हुए हैं और सीडलिंग करने के लिए मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ दो वेस्ट कंटेनर। एक प्लास्टिक का फ्लैट कंटेनर है और दूसरा इस तरह का। और ये जो कुछ सीड्स हैं ये पुराने सीड्स हैं, इनको स्टोर करके रखा था मैंने और कुछ ही बचे हैं इनमें से। इन्हीं की सीडलिंग आज मुझे करनी है। इस कंटेनर के नीचे मैंने होल बना लिए हैं ताकि ड्रेनेज अच्छा हो। चलिए मैं मेथड शुरू कर रही हूँ। यहाँ पर सबसे पहले नीचे बेस में मैं थोड़ी सी सैंड बिछा रही हूँ ताकि पानी बिल्कुल नीचे की तरफ स्टोर ना हो। ये है 3 बार धुला हुआ कोकोपीट। इसे अच्छी तरीके से मैंने वॉश कर लिया है। सिर्फ और सिर्फ कोकोपीट है ये, इसमें कुछ भी ऐड नहीं है। इसी में अपनी सीडलिंग करूँगी मैं। मेरा मेथड बहुत सिंपल होता है। मैं कंटेनर के अंदर पहले कोकोपीट या जो मैं मिक्सचर ले रही हूँ पॉटिंग मिक्स, उसे बिछा लेती हूँ। इसके ऊपर अब मैं कर दूँगी हल्के से सीड स्प्रेड। चारों तरफ धीरे धीरे सीड्स फैला देना है और इसके ऊपर बना दूंगी मैं बिल्कुल हल्की लेयर पॉटिंग मिक्स की, यानी कि मेरे कोकोपीट की। ये लेयर बहुत हल्की होगी और इतनी ही होगी कि सिर्फ हमारे सीड ढकने चाहिए। ज़्यादा गहराई में हमको हमारे सीड्स नहीं डालने। इसे वाटरिंग करने के लिए मैं नीचे प्लेट में पानी भर कर रख रही हूँ और ये नीचे से ऊपर की तरफ सारा पानी सक कर लेगा। सेम प्रोसेस इस दूसरे कंटेनर के साथ भी कर रही हूँ मैं। इस पैकेट में बचे हुए कुछ सीड इस कंटेनर में डाल देना है हमें। अगेन हल्की हल्की लेयर बनाना है, ऊपर से बहुत पतली लेयर होना चाहिए और इसे भी नीचे ट्रे में रखकर मुझे पानी देना है। आप स्प्रे बॉटल का यूज़ भी कर सकते हैं अगर आप सीडलिंग कर रहे हैं तो। मेरे दोनों कंटेनर रेडी हैं, सीडलिंग मेरी हो गई। तेज़ बारिश की वजह से मैंने अपनी सीडलिंग को इंडोर रखा था। ये स्प्राउटेड हो चुके हैं 2 पत्तियों में। डेवलप होने के साथ ये बहुत ज़्यादा लेगी भी हो गए हैं। कोई बात नहीं, इनको मैंने दिन की रोशनी में रखना शुरू कर दिया है और जैसे ही सनलाइट मिलेगी इनको ये धीरे धीरे रिकवर होना भी शुरू हो जाएंगे। सीडलिंग लेगी होने पर घबराने की ज़रूरत नहीं होती, बस उसे सनलाइट देना होता है, ठीक हो जाएगी। आज जुलाई की 24 तारीख है और ये है मेरी सीडलिंग की कंडीशन। सनलाइट मिलने के साथ ही ये देखिए, इनके स्टेम्स जो पहले बिल्कुल वाइट और सॉफ्ट थी अब रेडिश हो गई है। पत्तियां 2 से 3 में डिवाइड होना शुरू हो गई है। इस समय मैं इनको फर्टिलाइज़र पानी में घोलकर देना शुरू कर चुकी हूँ। ये धीरे धीरे रिकवर भी हो रहे हैं सनलाइट और रोशनी मिलने से। ये देखिए, सैंड सॉइल और कंपोस्ट के मिक्सचर में इस बास्केट में लगा दी है मैंने अपनी सीडलिंग और इन्होंने यहीं से ग्रोथ लेना भी शुरू कर दिया है। लेगी सीडलिंग को बास्केट में शिफ्ट करने के बाद ये है कंडीशन। आज 30 अगस्त है और बारिश की वजह से मेरे प्लांट्स बहुत हेल्दीली डेवलप हो गए हैं। वेस्ट बास्केट है ये मेरा और इसके अंदर मैंने प्लास्टिक की लाइनिंग की हुई है। प्लांट बहुत हेल्दी है। आज मैं इन प्लांट्स की पिंचिंग करने वाली हूँ ताकि ये जो प्लांट्स मेरे पास ग्रो हुए हैं वो और बूशी हो जाए और ज़्यादा बर्ड्स और ज़्यादा फ्लावर्स मुझे मिले। पिंचिंग की मेथड बहुत सिंपल होती है। आपको ऊपर के टिप्स जो होते हैं उन्हें कट कर देना होता है। आप जितने ज़्यादा टिप्स कट कर देंगे उतने न्यू ब्रांचेस वहाँ से डेवलप होंगी। ये आप किसी भी फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए कर सकते हो। पिंचिंग बहुत हेल्पफुल होता है किसी भी प्लांट को बुशी बनाने के लिए। लगे हो जाने के बाद मेरी सीडलिंग में से कुछ सीड्स ग्रो होने के बाद मर गए, कुछ डेवलप हो जाने के बाद टूट गए, बट जो बचे हैं वो अब इस कंडीशन में पहुँचे हैं। पूरी तरीके से फ्लावरिंग होने के बाद मुझे पता चलेगा कि मेरे पास फाइनली कितने प्लांट और कितने कलर्स के जीनिया बचे हैं। गर्मियों के मौसम के रूखे और गर्म एनवायरनमेंट को पसंद करने वाला जीनिया फाइनली ब्लूम हो गया है मेरे टेरेस पे। ये देखिए, बहुत खूबसूरत है इनके रंग। और क्योंकि काफ़ी दिनों से हमारे यहाँ के टेम्परेचर में बहुत हीट बढ़ चुकी है, धूप बहुत तेज़ होने लगी है, ऐसे में मेरी जीनिया को परफेक्ट एनवायरनमेंट मिल गया है ग्रो होने के लिए। समर जैसी कंडीशन डेवलप हो गई है। दिन में बहुत धूप होती है, शाम तक गर्मी बनी रहती है और ऐसे में इनकी हेल्थ बहुत अच्छी है। ये फर्स्ट फ्लावरिंग है मेरे प्लांट्स पे। अभी बहुत सारी बर्ड्स बन रही हैं, खिलना भी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे और मेरा ये पूरा बास्केट जीनिया के फ्लावर से भर जाएगा। जीनिया लगाना बहुत इजी होता है गाइस, आप अभी भी लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने जीनिया लगाए भी हैं और ये अब फ्लावरिंग करना शुरू कर चुके हैं। इनकी रेगुलर फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी बिकॉज ये फर्स्ट फ्लावरिंग है। समर में ही नहीं, आप चाहें तो जीनिया आप विंटर में भी लगा सकते हैं, बस
इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इनकी सीडलिंग प्रेप अच्छे से डेवलप करें और इन्हें फुल सनलाइट दें जितनी भी विंटर में आपके आंगन या टेरेस में आए। इंजॉय कीजिए इन खूबसूरत फूलों को गाइस। उम्मीद करूंगी ये वीडियो आपको आज का पसंद आया होगा। अगर आप जीनिया लगाना चाहते हैं तो बेशक ट्राई कर सकते हैं, बुराई नहीं है, उसमें ग्रो भी हो जाएंगे और फ्लावरिंग भी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगेन हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।